हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जून फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हुआ। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। इस न्यूज़ के अंदर डिटेल के अंदर बात करें तो कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। जो इंडिया का अभी तक का बिगेस्ट ड्रोन महोत्सव, ड्रोन सेक्टर के अंदर अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव अभी न्यू दिल्ली के अंदर उसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, राइट। ये एक टाइप का एग्जीबिशन था कि जहाँ पे ड्रोन सेक्टर की जो भी कंपनीज ने पूरे साल के अंदर जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाई है, वो यहाँ पे एग्जिबिट कर रही थी, राइट। और गवर्नमेंट ने भी ड्रोन सेक्टर के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में भी इस महोत्सव के दौरान यहाँ पे डिस्कशन हुआ, राइट। तो इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और ये ड्रोन महोत्सव कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। सबसे पहली बात तो ये हो गई, राइट। टोटल 70 एग्जीबिटर्स इस महोत्सव के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट बनाई है, उनका एग्जीबिशन इस महोत्सव के दौरान किया, राइट। उसमें से इम्पोर्टेंट एग्जीबिटर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट इंडिया पोस्ट के द्वारा पहली बार कोई मेल वो ड्रोन का यूज़ करके सेंड किया गया। मेल मतलब यहाँ पे इंडिया पोस्ट के द्वारा कोई पोस्ट पहली बार ड्रोन का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, राइट। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ से कहाँ तक? भुज तालुका के जो हबई विलेज है वहाँ से नेर विलेज जो भचाऊ तालुका के अंदर है। तो भुज तालुका का जो हबई विलेज है वहाँ से भचाऊ तालुका का जो नेर विलेज है वहाँ तक एक मेल सेंड किया गया इंडिया पोस्ट के द्वारा ड्रोन का यूज़ करके। तो वो किस तरीके से सेंड किया गया, राइट, वो उसका एग्जीबिशन इस महोत्सव के दौरान हुआ। टोटल 46 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 मिनट्स के अंदर काटा गया इस ड्रोन के द्वारा। इस जब ये मेल सेंड किया गया तब की बात चल रही है, राइट, ओके। तो पहली बार इंडिया पोस्ट ने कोई मेल ड्रोन के माध्यम से सेंड किया है, तो उसकी बात इस महोत्सव के अंदर हुई। सेकंड कि इंडिया अपना फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी E200 लॉन्च करने जा रहा है 2023 के अंदर, तो उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन यहां पे किया गया। इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी का नाम क्या है? E200, जो 2023 के अंदर लॉन्च होने वाला है, राइट, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ई महोत्सव के दौरान हुआ। अभी ये E200 वो कौन सी कंपनी बनाने वाली है? ई प्लेन कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? उसका हैदराबाद के अंदर है। अभी ये E200 जो इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी है वो कौन सी कंपनी बनाने वाली है? ई प्लेन कंपनी, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, राइट। और वो इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी होगी, उसके अंदर दो पैसेंजर्स बैठ पाएंगे। दो पैसेंजर्स तो नहीं बोल सकते कि E200 के अंदर एक पायलट और दूसरा पैसेंजर, वन पायलट, वन सीट फॉर द पायलट एंड वन फॉर द पैसेंजर, दो लोग बैठ पाएंगे, राइट। और वो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैटेगरी की व्हीकल होगी। ये जो व्हीकल होगा E200, वो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैटेगरी का होगा, राइट। देखो, हम ड्रोन को अनमैन एरियल व्हीकल बोलते हैं, राइट, लेकिन इस व्हीकल को पायलट रन करवा रहा है, तो ये व्हीकल कौन से कैटेगरी का है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैटेगरी का, ई वीटोल कैटेगरी का, राइट, ओके। उसका वेट कितना होगा? 200 kg का। उसका वेट कितना होगा? 200 kg का, इसलिए उसका नाम है E200, राइट, ओके। उसके अंदर दो लोग बैठ पाएंगे, ठीक है, एक पायलट एक पैसेंजर। ई वीटोल कैटेगरी का है, उसका वेट 200 kg का होगा और वो इंडिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी होगा, राइट। और वो ई प्लेन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, राइट। और वो 2023 के अंदर लॉन्च होगा, सिंपल, बराबर ना, ओके। उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर पर आवर। वो 3000 फीट के
अल्टीट्यूड तक वो उड़ पाएगा, 3000 फीट के अल्टीट्यूड तक वो रन कर पाएगा सिंपल, बराबर ना। और उसकी रेंज कितनी है, 200 किलोमीटर तक वो एक साथ एक एक ही बार में 200 किलोमीटर तक वो रन कर पाएगा, राइट। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, कौन बना रहा है, वो कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी और कौन सी कैटेगरी का व्हीकल है, राइट। तो इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन इस महोत्सव के दौरान हुआ। ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने श्रेया रस्तोगी को स्पेशली ये ई वीटोल व्हीकल को डेवलप करने के लिए अपॉइंट किया है। और ये श्रेया रस्तोगी जो नासा के अंदर एज अ एरोस्पेस इंजीनियर काम कर रही है, और उसको ये स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ई वीटोल प्रोजेक्ट, बराबर ना, ये जो E200 है उसके लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको इस कंपनी के साथ टाई अप करवाया है, श्रेया रस्तोगी को, राइट। श्रेया रस्तोगी बेसिकली इंडियन ही है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ी बड़ी है, राइट, लेकिन उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी US से। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी मीटिंग के दौरान, इसी महोत्सव के दौरान L&T ने पार्टनरशिप की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ टू डेवलप द सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल्स। देखो, नॉर्मली जो ड्रोन्स होते हैं वो एयर के अंदर रन करते हैं, राइट, एयर के अंदर उसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन सबमरीन लॉन्च, सबमरीन के ऊपर से जो ड्रोन लॉन्च किए जा सके, जो अनमैन एरियल व्हीकल जो लॉन्च किए जा सके, ऐसे UAVs को डेवलप करने के लिए L&T ने पार्टनरशिप की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एक स्टार्टअप है उसके साथ पार्टनरशिप की है। सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है बनाना, बहुत ही कम डेवलप कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी है, और इंडिया इस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहती है। इसके लिए L&T ने न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ इस मीटिंग के दौरान पार्टनरशिप की, वो दोनों साथ में मिलकर सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करेंगे, सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। ओके, और ये सबमरीन लॉन्च एरियल व्हीकल डेवलप करने के लिए इंडियन नेवी ने रिसेंटली इश्यू किया एक प्रपोजल फॉर द सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल थ्रू द DRDO टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, कि जो सबमरीन लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल जो डेवलप करने के लिए जो भी पैसा जो लगेगा वो कहाँ से मिलेगा, DRDO का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है वहाँ से उनको पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए अभी इंडियन नेवी ने एक प्रपोजल को भी अप्रूव कर लिया है, राइट। तो सब ये जो सबमरीन लॉन्च जो एरियल व्हीकल है जो L&T और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी पाम साथ में मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो DRDO का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है वहाँ से उनको पैसा मिलेगा। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से पैसा मिलेगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिंद्र सिंधिया, राइट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, जनरल रिटायर्ड विजय कुमार सिंह, राइट। उनकी कंस्टिट्यूंसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आई थिंक आपको पहले न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। ओके, हमारी सेकंड न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, और उसके लिए कितना रुपया एलोकेट किया है, 13,554.42 करोड़ रुपीज़ उसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ये 5 साल के लिए इस स्कीम के पीछे कितने रुपीज़ एलोकेट किया गया है, 13,554.42 करोड़ रुपीज़ प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम को फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, राइट। ओके, तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये एक्चुअली ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है। किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की। और ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2008-09 के अंदर, कब, 2008-09 के अंदर। और इस स्कीम का नाम क्या है कि इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब कि लोगों मैक्सिमम जितने लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिले उतना अच्छा है, राइट। अभी इम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी उसकी बात करें तो इस स्कीम के अंडर में कि जो लोग इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो लोग इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक स्कीम से दो मोटिव को सॉल्व किया गया है, जिन लोगों को इंटरप्रेन्योर बनना है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और वो लोग अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, वो अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो उन कंपनी के अंदर जो लोग जॉब करना चाहते हैं ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी, और जो लोग इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो एक ही स्कीम से दो मोटिव यहाँ पे क्लियर किए गए हैं प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर, राइट। ओके ओके,
इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है जिन लोगों को इंटरप्रेन्योर बनना है उसकी बात करें, कि यहाँ पे अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करना है तो मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा? 50 लाख। मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा? 50 लाख। लेकिन अगर किसी को सर्विस यूनिट एस्टैब्लिश करना है, कोई सर्विस यूनिट एस्टैब्लिश करना है तो उसको मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा? 20 लाख, राइट? तो ये आपको याद रखना है। ये पहले 25 लाख मिलते थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, और सर्विस यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए पहले 10 लाख मिलते थे, लेकिन अभी ये लिमिट बढ़ा दी गई है कि एक कोई इंटरप्रेनर है जिनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है तो उनको कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंडर में? मैक्सिमम 50 लाख, और अगर उसको सर्विस यूनिट बनाना है तो उसको मैक्सिमम मिलेगा 20 लाख, राइट? तो ये सबसे पहला पॉइंट। ओके, यस। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में दो कैटेगरी के लिए, अर्बन और रूरल, दोनों एरिया के लिए अलग अलग पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। कि अगर कोई इंटरप्रेन्योर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट, और अगर वो अर्बन एरिया के अंदर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। कितना? 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। और अगर वो रूरल एरिया के अंदर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। और अगर वो कोई इंटरप्रेनर एससी, एसटी, वुमेन, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, राइट, ओके, देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, और अर्बन एरिया के अंदर उस स्टेट्स के अंदर भी अर्बन एरिया के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट पैसा मिलेगा, और रूरल एरिया के अंदर अगर वो अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उसको पैसा मिलेगा, राइट? देखो यहाँ पे ये बाइफरकेशन ध्यान से पढ़ना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंदर अगर कोई इंटरप्रेन्योर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको अर्बन एरिया के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना है तो 15%, रूरल एरिया के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना है तो 25% का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना भी होगा उसका, राइट। अगर कोई इंटरप्रेन्योर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और अर्बन या रूरल एरिया के अंदर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो अर्बन एरिया के लिए 25% और रूरल एरिया के लिए 35% उसको पैसा मिलेगा। अगर कोई वुमेन इंटरप्रेन्योर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो वहाँ पे भी अर्बन एरिया के अंदर 25% और रूरल एरिया के अंदर 35% ऑफ बजट को उसको पैसा मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख और सर्विस यूनिट के लिए 20 लाख, बराबर, मैक्सिमम इतना पैसा मिलेगा, राइट, ओके। अब ऐसा नहीं है कि कोई 100 करोड़ की कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको उसका 15%, मतलब 15 करोड़ रुपीज़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंदर फंडिंग किस तरीके से होती है वो पता चल गया, ओके ओके। तो ये प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ये पूरे इंडिया के अंदर कौन सी संस्था इम्प्लीमेंट करवाती है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, ये एक संस्था है कि जो पूरे इंडिया के अंदर इस स्कीम को रेगुलेट करती है, राइट, ओके। और ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है, राइट, ओके। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम 2008-09 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, कौन उसको पूरी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करवाता है? KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। वो स्कीम के अंदर फंडिंग किस तरीके से होता है वो आपको याद रखना है, ओके। और रिसेंट में ये जो मैक्सिमम जो 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 20 लाख सर्विस यूनिट के लिए जो बढ़ाए गए हैं, पहले 25 लाख थे और 10 लाख थे रिस्पेक्टिवली, रिसेंट में ही बढ़ाए गए हैं तो वो भी आपको याद रखना है, ओके। और अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर ये स्कीम क्यों है? क्योंकि इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, और उसके पीछे कितने रुपीस एलोकेट किए गए हैं? 13,554.42 करोड़ रुपीस उसके पीछे एलोकेट किए गए हैं 5 साल के लिए, राइट।
ये जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो साइकिल है 2021-22 से 2025-26 तक, तब तक उसको एक्सटेंड किया गया है, राइट। और मैंने जो अभी बोला कि उसका जो मैक्सिमम लिमिट है, कि जो मैक्सिमम कितना पैसा दिया जाएगा, 25 लाख से बढ़ा के अभी 50 लाख कर दिया गया है, और यहाँ पे 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है सर्विस यूनिट्स के लिए, तो वो आपको याद रखना है, ओके। और यहाँ पे मैंने जो बोला ना कि अर्बन एरिया के अंदर इतना पैसा और रूरल एरिया के अंदर इतना पैसा दिया जाएगा, तो यहाँ पे अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या है कि जो भी एरिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में आता है वो अर्बन एरिया, और जो भी एरिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में आता है वो रूरल एरिया, राइट। तो यहाँ पे अर्बन और रूरल की डेफिनेशन इस स्कीम के अंदर में, कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में आता है वो अर्बन एरिया, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में आता है तो वो रूरल एरिया, बराबर। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ओके। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो पूरी इंडिया के अंदर कौन कंडक्ट करवाता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसके द्वारा अभी एक ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो इस न्यूज़ के बारे में अगर हम डिटेल के अंदर बात करें, तो ये अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पब्लिक डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। अभी सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बात की थी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सभी सिटीजन का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो, सभी सिटीजन का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो। और उसके लिए जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 के अंदर लॉन्च किया गया, तब उसके साथ एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी, और इस एप्लीकेशन को लास्ट वीक के जो वीडियो के अंदर ही हमने डिस्कस किया कि इस ऐप का नाम रीनेम किया गया था, और उस ऐप का नाम क्या रखा गया था, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एप्लीकेशन, आब एप्लीकेशन, राइट। हमने लास्ट वीडियो में ही उसको डिस्कस किया है, आब एप्लीकेशन उस ऐप का नाम रखा गया है, नाम रीनेम किया गया है, राइट। तो ये एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सिटीजन अपना हेल्थ रिकॉर्ड, जो आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह जो आते हैं वो अपलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, आपको 14 डिजिट का हेल्थ अकाउंट नंबर, आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर दिया जाता है। आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में जो रजिस्टर्ड कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल के पास जाओगे, राइट, और आप वहाँ पे अपना आपका अकाउंट नंबर दोगे, आप अकाउंट नंबर दोगे, तो वो कोई भी डॉक्टर आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड जो आपने अपलोड किया है वो एक्सेस कर पाएगा। आपको कोई भी फाइल्स वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सभी हेल्थ रिकॉर्ड वो एक्सेस कर पाएगा, आपको जस्ट अपना आप अकाउंट नंबर देना है। तो ये मोटिव है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कि सभी सिटीजन का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हो जाए, राइट। तो उसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बजट 2022 के अंदर 1600 करोड़ रुपये का, कितना, 1600 करोड़ रुपये का बजट अलोकेशन किया गया है 5 साल के लिए, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए बजट के अंदर कितना रुपीस अलोकेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, 1600 करोड़ रुपये, लेकिन 5 साल के लिए, ओके। अभी हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें, रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्या है कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर में एक पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, पब्लिक डैशबोर्ड, वहाँ पे आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में अभी तक कितने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स जनरेट हुए हैं, आप नंबर्स कितने जनरेट हुए हैं, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में एनरोल करवाए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब कितने डॉक्टर्स वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और कितनी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में एनरोल किया है, मतलब कितनी हॉस्पिटल्स, कितनी लेबोरेटरीज वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में रजिस्टर्ड हो चुकी है, राइट। तो ये तीन डेटा कि कितने लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स जनरेट किया, कितने डॉक्टर्स इस मिशन के अंडर में एनरोल हो चुके हैं, कितनी हेल्थ फैसिलिटी इस मिशन के अंडर में एनरोल हो चुकी है, उसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस पब्लिक डैशबोर्ड के ऊपर मिलेगी, राइट। और आपको ये भी पता चलेगा कि भाई आपके एरिया के अंदर कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी लेबोरेटरी, कौन सा डॉक्टर ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये पब्लिक डैशबोर्ड अभी लॉन्च किया गया है, जस्ट इसीलिए ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक कितने आप अकाउंट नंबर जनरेट हुए हैं, 22.15 करोड़, 22.15 करोड़ आप अकाउंट नंबर जनरेट हो चुके हैं। कितने
कितने हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं? 69,573। और कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं? 16,693। यस राइट, जब ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया तब का डेटा है। और अभी आप आयुष्मान भारत डिटेल मिशन की वेबसाइट पे जाके भी ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस डैशबोर्ड के ऊपर जाके। राइट, समझ में आया ये न्यूज़ की क्या है? ओके, अगर कोई पर्सन को, कोई सिटीजन को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जनरेट करना है अपना, तो वो कोई भी गवर्नमेंट की, कोई भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो भी एप्लीकेशन डेवलप की गई है, लाइक कोविन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट, आरोग्य सेतु, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो ई सुश्रुत रेलवे हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हो। राइट, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके जो प्रीमियम्स हैं उनके अंदर अभी इंक्रीमेंट किया गया है। वो प्रीमियम 7 साल के अंदर पहली बार रिवाइज़ किए गए हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर अगर हम डिटेल के अंदर बात करें तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाइक किया है इंश्योरेंस प्रीमियम रेट फॉर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के। राइट, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जो प्रीमियम रेट है उसके अंदर अभी हाइक किया है गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले तो हम ये दो योजना के बारे में बात करें कि ये दो योजना क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। राइट, यहाँ पे आपको 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपकी डेथ कोई भी रीजन से हो जाएगी तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, सिंपल। और उसके लिए कितना प्रीमियम पहले पे किया जाता था? 330 रुपीज़ पर एनम, 330 रुपीज़ पर एनम। लेकिन अब ये प्रीमियम बढ़ा के कितना किया गया है? 436 रुपीज़ पर एनम। राइट, तो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना। और आपकी एज अगर 18 साल से 50 साल के बीच में होगी तो आप इस स्कीम के अंडर में अवेल हो सकते हो। राइट, और सुरक्षा बीमा योजना की बात करो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पे अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है, एक्सीडेंट की वजह से होती है, तभी आपको आपकी नॉमिनी को 2 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सीडेंट की वजह से आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपके नॉमिनी को यहाँ पे 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। राइट, यहाँ पे आपके पास से प्रीमियम 12 रुपीज़ पर एनम पहले लिया जाता था, लेकिन अब ये प्रीमियम बढ़ा के 20 रुपीज़ पर एनम कर दिया गया है। राइट, तो ये दो जो लाइफ इंश्योरेंस और एक एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में जो प्रीमियम रेट बढ़ाए गए हैं, इसलिए ये दोनों स्कीम अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। ये दोनों स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, वो 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। अभी हमने लगभग 2-3 वीडियो पहले ही इन दोनों स्कीम के बारे में पढ़ा था कि उनकी 7th एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट हुई तब हमने उस न्यूज़ को कवर किया था। राइट, तो अभी उसके जो प्रीमियम है वो अभी उनके अंदर हाई किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। ओके, अभी गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया कि उन ये दोनों योजना के प्रीमियम क्यों बढ़ाए, उसकी अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर टोटल अभी तक कितने सब्सक्राइबर्स है? 6.4 करोड़। और टारगेट कितना है? 15 करोड़। टारगेट कितना है कि 15 करोड़ सब्सक्राइबर इस योजना के अंदर में हो। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर कितने सब्सक्राइबर है अभी? 22 करोड़। और टारगेट कितना है? 37 करोड़। अभी ये रेट्स क्यों बढ़ाए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के योजना के अंदर क्लेम रेशियो कितना है? 145.24%। अभी क्लेम रेशियो का मतलब क्या होता है? क्लेम रेशियो का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट किया गया है और उसके अगेंस्ट में प्रीमियम कितना आता है? 145 रुपीज़। राइट, प्रीमियम कितना कलेक्ट किया गया है कस्टमर के पास से? 100 रुपीज़ का। और उसके अगेंस्ट में कस्टमर क्लेम कितना करता है? 140 रुपीज़ का, 145 रुपीज़ का। मतलब 45 रुपीज़ गवर्नमेंट को अपनी जेब में से निकालना पड़ रहा है। राइट, तो ये जो 45 रुपीज़ गवर्नमेंट को अपनी जेब में से निकालना पड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम को बढ़ाया गया है। ओके, और यहाँ पे आप सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तो आप देख सकते हो
क्लेम रेशियो 221.61%, मतलब अगर 100 रुपीज़ का क्लेम यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया गया तो उसके सामने क्लेम कितना हो रहा है इस स्कीम के अंडर में, 221.61 रुपीज़, राइट राइट। तो यहाँ पे 121.61 रुपीज़ गवर्नमेंट को अपनी जेब में से निकालना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे ये प्रीमियम बढ़ाया गया है, ठीक है। तो कितने टारगेट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर, कितने सब्सक्राइबर को करना है, उसका टारगेट कितना है, सुरक्षा बीमा योजना का टारगेट कितना है, क्लेम रेशियो दोनों को याद रखना पड़ेगा, और कितना प्रीमियम अभी हाइक किया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और दोनों योजना के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन एयरफोर्स रैंक द थर्ड मोस्ट पावरफुल एयर पावर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, राइट। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार इंडियन एयरफोर्स वो दुनिया की मोस्ट थर्ड पावरफुल एयर पावर बनी है, राइट। अभी इस न्यूज़ के अंदर अगर हम डिटेल के अंदर बात करें तो कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, द करंट रैंकिंग ऑफ द वेरियस आर्म्ड एयर सर्विस अक्रॉस द ग्लोब रिलीज बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स हैज सिक्योर्ड द सिक्स्थ ग्लोबल रैंक। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो संस्था है ना, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उनके द्वारा ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग अभी लॉन्च किया गया है। अभी एक ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अंदर टोटल 98 कंट्रीज़ के 124 एयर सर्विसेज को इवोल्यूट किया गया है, उनका सर्वे किया गया है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो एयर सर्विस ऐसा नहीं कि एयरफोर्स की ही एयर सर्विस हो, आर्मी की भी एयर सर्विस होती है, आर्मी के भी एयरक्राफ्ट होते हैं, नेवी के भी एयरक्राफ्ट होते हैं, और एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब एयर सर्विस तीनों तीन फोर्स के होते हैं, मरीन कोर्प्स की भी एयर सर्विस होती है। तो यहाँ पे सभी सर्विसेज, सभी एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, मरीन क्रोप्स के, एयर सर्विसेज की स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे सर्वे किया गया है इस संस्था के द्वारा, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा, राइट। टोटल 124 एयर सर्विस का सर्वे किया गया है 98 कंट्रीज़ के, राइट। और उसमें ग्लोबल लेवल के ऊपर ओवरऑल कैटेगरी के अंदर जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है वो 6th नंबर पे आया है, राइट। इंडियन एयरफोर्स कौन से नंबर पे आया है, 6th नंबर पे ओवरऑल कैटेगरी के अंदर। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएस एयरफोर्स, सेकंड नंबर पे यूएस स्टेट्स नेवी, थर्ड नंबर पे रशियन एयरफोर्स, फोर्थ नंबर पे यूएस आर्मी एविएशन, फिफ्थ नंबर पे यूएस मरीन कोर्प्स, और 6th नंबर पे कौन है, इंडियन एयरफोर्स। और अगर हम जस्ट एयरफोर्स कैटेगरी की बात करें, ये तो मैं ओवरऑल बोला, ओवरऑल एयर सर्विस कैटेगरी की बात की, लेकिन जस्ट हम एयरफोर्स कैटेगरी की बात करें तो दुनिया के अंदर इंडियन एयरफोर्स थर्ड सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है आफ्टर यूएस एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स। सबसे शक्तिशाली यूएस एयरफोर्स है, सेकंड नंबर पे रशियन एयरफोर्स है, और थर्ड नंबर पे इंडियन एयरफोर्स है, राइट। तो एयरफोर्स कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का थर्ड नंबर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, एयर सर्विस की ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, तो इंडियन एयरफोर्स का 6th नंबर है, राइट। और इंडियन नेवी एविएशन का कौन सा नंबर है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, 28, और इंडियन आर्मी एविएशन का कौन सा नंबर है, 36, राइट। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। और उसके अलावा एयरफोर्स, जस्ट एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पे है, राइट। यूएस एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, ओके। अगर हम ये रैंकिंग के हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियन एयरफोर्स हैज़ ओवरटेकन द चाइनीज एयरफोर्स, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजरायली एयरफोर्स एंड द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स इन द टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ। तो इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज, जापानीज, इजरायली एंड फ्रेंच एयरफोर्स को पीछे छोड़ के ये 3rd नंबर हासिल किया है, राइट। यहाँ पे ये जो रैंकिंग कैरी आउट करने के लिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, ये फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है ट्रू वैल्यू रेटिंग, TVR स्कोर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सभी एयरफोर्स की, सभी एयर सर्विसेज की यहाँ पे ट्रू वैल्यू रेटिंग है, ये स्कोर है, जिसका ये स्कोर सबसे ज़्यादा है वो 1st नंबर पे, सबसे ज़्यादा 249.9 TVR रेटिंग किसका है, यूएस एयरफोर्स का है। तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा ट्रू वैल्यू रेटिंग एक फॉर्मूला जनरेट किया गया है, वो उसके अकॉर्डिंग एयर सर्विस की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करता है, राइट। ओके, तो अभी तक
द हाईएस्ट अटेनेबल टीवीआर स्कोर वो जो कौन सा है, 242.9, जो यूएस एयरफोर्स के द्वारा कैरी आउट किया गया है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सपांडिंग द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल टू अलाउ द प्रोक्योरमेंट बाय द कोऑपरेटिव एज अ बायर्स। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले तो हम बात करें कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। देखो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो एक एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बायर कौन होता है, जहाँ पे बायर होता है ओनली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो सकती है, राइट। और यहाँ पे सेलर कौन बन सकता है, कोई भी संस्था, कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था, छोटी बड़ी कोई भी संस्था यहाँ पे सेलर बन सकती है, लेकिन यहाँ पे बायर जस्ट गवर्नमेंट ही होगी, राइट। ओके, तो यहाँ पे अभी बायर कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो बायर कैटेगरी के अंदर अभी कोऑपरेटिव्स को भी शामिल किया गया है, कोऑपरेटिव्स को भी शामिल किया गया। बस यही रीसेंट न्यूज़ है कि अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बायर के तौर के ऊपर यहाँ पे कोऑपरेटिव्स जो सहकारी संस्थाएं जो होती हैं उनको भी शामिल किया जाए, राइट। तो गवर्नमेंट संस्था के अलावा, गवर्नमेंट्स के अलावा यहाँ पे कोऑपरेटिव्स भी शामिल होगी एज अ बायर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, राइट। ठीक है, ओके, तो जस्ट यही रीसेंट न्यूज़ है। तो इसके लिए अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है, और ये कोऑपरेटिव्स किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये एक दो साल पहले ही बना है ये मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। उसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने पार्टनरशिप की कि ताकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ बायर कोऑपरेटिव्स एनरोल हो सके। समझ में आया, ओके। तो इसकी मदद से क्या होगा कि वो हेल्प करेगा मोर देन 8.54 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स इन इंडिया एंड इट्स 27 करोड़ मेंबर्स कि हु विल बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन द प्लेटफॉर्म। कि जो 8.54 लाख जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर से उनके जो 27 करोड़ मेंबर्स हैं वो प्रोडक्ट बाय कर पाएंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट बायर्स, राइट। गवर्नमेंट बायर्स के लिए एक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2016 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। फिर 2017 के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल वो एस्टेब्लिश किया गया एज द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। पहले एक जस्ट वेबसाइट के तौर पे था, लेकिन अभी 2017 के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एक पोर्टल बनाया गया। अब ये पोर्टल के ऊपर ये बाइंग सेलिंग का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट होता है, जो 2017 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। वैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपको पूछा जाए तो 2016 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन अगर हम स्पेशल पर्पज़ व्हीकल की बात करें, जो ये पोर्टल की बात करें, तो 2017 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, राइट। ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की फंक्शनलिटी की अगर हम बात करें तो वो सर्व करता है एज अ वन स्टॉप पोर्टल फॉर द ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ द कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक ही पोर्टल के ऊपर कोई भी गुड्स एंड कोई भी सर्विस का एक्सेस कर सकते हो, राइट। ओके, उसका वो बेस है 3 पिलर्स के ऊपर, इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा, ओके फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि गुजरात टाइटंस वो विनर बने 15th एडिशन ऑफ टाटा आईपीएल 2022 के, राइट। अभी इस न्यूज़ के अंदर अगर हम डिटेल के अंदर बात करें तो कि गुजरात टाइटंस विच इज़ लीड बाय कैप्टन हार्दिक पंड्या, उन्होंने अभी जीता 15th एडिशन ऑफ द टाटा स्पॉन्सर्ड आईपीएल 2022 एंड लिफ्टेड देयर मेडन आईपीएल ट्रॉफी इन देयर फर्स्ट आईपीएल सीजन। गुजरात टाइटन की ये पहली आईपीएल सीजन थी और उनके पहले आईपीएल सीजन के अंदर ही उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी को जीत लिया।
जो आईपीएल टाटा के द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, और ये 15th एडिशन ऑफ द आईपीएल थी, राइट? ओके, और गुजरात टाइटन को कैप्टन लीड कौन कर रहा था? हार्दिक पांड्या, राइट? टोटल इस आईपीएल के अंदर 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 2 टीम्स नई इंक्लूड हुई थी। कौन कौन सी? गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट। गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट 2 टीम नई शामिल हुई थी, टोटल 10 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, राइट? अगर हम गुजरात टाइटन की बात करें तो उसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, उनके हेड कोच कौन थे? आशीष नेहरा, उनके बैटिंग कोच गैरी कर्स्टन, और उनके मेजर स्पॉन्सर कौन थे? एथर, एथर करके एक ऑर्गेनाइजर है जो उनके मेजर स्पॉन्सर थे, बराबर। गुजरात टाइटन्स ने फाइनल के अंदर किसको हराया था? गुजरात टाइटन के फाइनल के अंदर राजस्थान रॉयल को हराया था, और वो आईपीएल के विनर बने। उनको कितना प्राइज मनी मिला? 20 करोड़ रुपीज़। कितना प्राइज मनी मिला? 20 करोड़ रुपीज़। और राजस्थान रॉयल जो रनर अप बने उनको कितना प्राइज मनी मिला? 12.5 करोड़ रुपीज़, राइट? और थर्ड नंबर पे कौन था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उनको कितना प्राइज मनी मिला? 7 करोड़ रुपीज़, राइट? और फोर्थ नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, फोर्थ नंबर पे उनको 6.5 करोड़ रुपया प्राइज मनी मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर जो आईपीएल में रहते हैं उनके प्राइज मनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट? और जो फाइनल हुआ था जो गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल के बीच में, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? हार्दिक पांड्या। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? हार्दिक पांड्या, राइट? ओके, और जो फाइनल हुआ था वो कौन से स्टेडियम के अंदर हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, वही जगह पे यहाँ पे फाइनल हुआ था। तो वो भी आपको याद रखना है क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है और वहाँ पे फाइनल हुआ था इसके लिए। ओके, यहाँ पे मैं बात करूँ तो कि ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसको मिली? ऑरेंज कैप किसको मिलती है आईपीएल के अंदर? जो सबसे ज़्यादा रन करता है, राइट? तो यहाँ पे जोस बटलर जो बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये राजस्थान रॉयल के अंदर से खेलते हैं, तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 863 रन्स बनाए थे। इसके लिए उनको यहाँ पे ऑरेंज कैप मिली, और प्राइज मनी सभी कैटेगरी के लिए 10 लाख ही है। ओके, पर्पल कैप की बात करूँ तो हमारे जो युजवेंद्र चहल जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो भी राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, और उन्होंने 27 विकेट्स ली थी तो उनको भी पर्पल कैप मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोस बटलर जो राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं, गेम चेंजर ऑफ द सीजन जोस बटलर राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की अगर हम बात करें तो उमरान मलिक जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और सनराइजर हैदराबाद से खेलते हैं, राइट? और सबसे ज़्यादा सिक्स ऑफ द सीजन अवार्ड जॉस बटलर, फोर ऑफ द सीजन अवार्ड जॉस बटलर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक, राइट, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स को मिला, दोनों ने शेयर किया है अवार्ड को। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन जॉस बटलर, फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन लॉकी फर्गूसन जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, जो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, राइट, और बेस्ट कैच का अवार्ड मिला है एविन लुइस जो वेस्टइंडीज से बिलोंग करते हैं, जो लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हैं, राइट। आपके लिए जो टॉप 5 कैटेगरी है ना, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, गेम चेंजर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। ओके, अगर मैं इस आईपीएल के रिकॉर्ड्स के अंदर बात करूँ तो ये एक पहला आईपीएल है कि जहाँ पे एक ही टूर्नामेंट के अंदर 1000+ सिक्सेस हिट हुई है, राइट। और वेन ब्रावो, वेन ब्रावो जो वेस्टइंडीज से बिलोंग करते हैं, वो आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट देने वाले बॉलर बन गए हैं। उन्होंने किसको सरपास किया है? लसित मलिंगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं अभी, राइट। रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ, रोहित शर्मा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया कि वो विराट कोहली के बाद सेकेंड ऐसे इंडियन बने हैं कि जिन्होंने T20 इंटरनेशनल के अंदर 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हो, राइट। फिर रविचंद्रन अश्विन की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है कि वो आईपीएल की हिस्ट्री के ऐसे पहले प्लेयर बने हैं कि जो रिटायर्ड आउट हो गए हैं, रिटायर्ड आउट, ओके। और शिखर धवन ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? शिखर धवन जो पंजाब किंग्स से बिलोंग करते हैं, पंजाब किंग्स से जो खेलते हैं, उन्होंने टोटल पूरे आईपीएल अभी तक के आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर 704 सबसे ज़्यादा फोर्स उन्होंने लगाई है। केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ तो 4 आईपीएल सीजन के अंदर उन्होंने 600+ रन्स बनाए हैं, वो एकमात्र खिलाड़ी है। और आशीष नेहरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ऐसे कोई इंडियन हेड कोच है जो इंडिया से बिलोंग करते कि जो जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी को जीता है, राइट। ओके, बीसीसीआई ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने एक जर्सी को लॉन्च किया जिसका मेजरिंग था 66 बाई 42 मीटर्स, जो अभी तक की सबसे बड़ी जर्सी है,
राइट, टू मार्क द 15 ईयर्स ऑफ द आईपीएल। आईपीएल का ये 15 ईयर जो कंप्लीट हुआ उसको सेलिब्रेट करने के लिए बीसीसीआई ने एक जर्सी को लॉन्च किया, जो अब तक की सबसे बड़ी जर्सी कोई स्पोर्ट्स इवेंट की 66 बाई 42 मीटर्स की थी। तो इसके लिए उन्होंने एक गिनीज रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ओके, तो ये रिकॉर्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं आईपीएल के। ओके, और आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सर है कौन है, टाटा, ऑफिशियल पार्टनर ड्रीम इलेवन, अनएकेडमी, क्रेड, अपस्टॉक्स, रुपए एंड स्विगिट, इंस्टामार्ट। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की बात करूँ स्टार स्पोर्ट्स, ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर डिजनी प्लस हॉटस्टार, अंपायर पार्टनर्स पेटीएम। आईपीएल 2008 के अंदर फाउंड हुआ था, फाउंडर है ललित मोदी। फर्स्ट आईपीएल के टाइटल विनर कौन थे, राजस्थान रॉयल, तब उनके कैप्टन कौन थे, शेन वॉर्न। मोस्ट आईपीएल टाइटल किसने जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने 5 बार, 2013, 15, 17, 19 और 20। राइट, ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईपीएल के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली टॉन टेक एक स्टार्टअप है, वो विनर बनी है दो कैटेगरी के अंदर, आरबीआई की जो फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 का जो रिजल्ट आया उसके अंदर। देखो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो हैकाथॉन क्या है, हैकाथॉन मतलब एक कंपटीशन, इस एक कंपटीशन कि जहाँ पे आरबीआई ने टोटल 4 कैटेगरी के अंदर सॉल्यूशन को डिमांड किया था जनरल पब्लिक के पास से। जनरल पब्लिक मतलब जो स्टार्टअप्स है, जो इंडस्ट्री है, जो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाता है, राइट, उनके पास से आरबीआई ने टोटल 4 कैटेगरी के अंदर सॉल्यूशन मांगे थे कि भाई ये जो जनरल पब्लिक है कि वो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे, राइट। तो आरबीआई ने इस तरीके का एक ग्लोबल हैकाथॉन, यहाँ पे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जस्ट इंडिया लेवल पे नहीं मांगा गया था आरबीआई के द्वारा, वो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर मांगा गया था, राइट। और ये ग्लोबल हैकाथॉन का नाम क्या रखा था आरबीआई ने, हार्बिंगर 2021। ये जो कंपटीशन जो लॉन्च हुआ था वो हार्बिंगर 2021, वो 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था और एक ग्लोबल हैकाथॉन था, और आरबीआई के द्वारा पहली बार ऐसा कोई कंपटीशन, कोई हैकाथॉन लॉन्च किया गया था, और अभी उसका रिजल्ट आया है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ओके, अभी न्यूज़ के अंदर समझ में आ गया क्या क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। ओके, पहले सबसे पहले हम बात करें कि हार्बिंगर 2021, हार्बिंगर 2021 की बात करें तो हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी थीम क्या रखी गई थी, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स के अंदर आरबीआई को सॉल्यूशन चाहिए थे कि किस तरीके से हम डिजिटल पेमेंट्स को और सिक्योर और सेफर बना सके, राइट। कंपेरेटिवली जो अभी जो जितने फ्रॉड, डिजिटल पेमेंट्स भी बढ़ गए हैं लेकिन फ्रॉड्स भी उतने बढ़ गए हैं, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आरबीआई ने सॉल्यूशन मांगे थे 4 कैटेगरी के अंदर। अभी कौन कौन से 4 कैटेगरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो हार्बिंग 2021 जो हैकाथॉन था उसकी थीम क्या थी, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, राइट। इट रिसीव्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये जो हार्बिंग 2021 ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स को रिसीव किया। टोटल 363 प्रपोजल्स फ्रॉम द इंडिया एंड 22 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस एंड इसराइल जैसी कंट्रीज से भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और इंडिया के अंदर से 363 प्रपोजल्स आए, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हार्बिंग 2021 का, राइट। ओके, और ये पूरा जो हार्बिंग 2021 है ना वो 3 फेजेस के अंदर कंडक्ट किया गया। सबसे पहला फेज था प्रपोजल शॉर्ट लिस्टिंग इन द फर्स्ट फेज, सॉल्यूशन डेवलपमेंट इन द सेकेंड फेज एंड द फाइनल इवोल्यूशन इन द थर्ड फेज, राइट। ओके, और जो विनर्स और रनर अब जो यहाँ पे ये हार्बिंग 2021 के अंदर जो चूज किए गए हैं वो कौन से क्राइटेरिया के ऊपर चूज किए गए हैं, कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन, यूजर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी एंड द ईज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। कि उनकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए तब वो या तो विनर बनेंगे या तो रनर अप बनेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे आरबीआई की तरह टोटल 4 कैटेगरी लॉन्च की गई थी और वो 4 कैटेगरी के अंदर सॉल्यूशन मांग रहा था। सबसे पहला कैटेगरी है इनोवेटिव, इजी टू यूज़, नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ये सबसे पहला कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट्स टू रिमूव द फिजिकल एक्ट ऑफ द पेमेंट,
ये सेकंड कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट, मतलब या तो टेक्स्ट मैसेज से हो या तो फिर वॉइस बेस्ड रिटेल पेमेंट हो, फिजिकल कॉन्टेक्ट ना हो, राइट। और ये पहला कैटेगरी जो था कि जो डिजिटल पेमेंट तो करना है लेकिन हमको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, राइट। तो उसके अंदर RBI को सॉल्यूशन चाहिए था। थर्ड, अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन। अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मतलब OTP बेस्ड, मतलब कोई एक ऑथेंटिकेशन तो है लेकिन उसके अल्टरनेटिव में भी दूसरा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, राइट। तो ऐसा हमारा डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, तो उसके अंदर भी RBI ने सॉल्यूशन मांगा था। और सोशल मीडिया एनालिसिस, फोर्थ कैटेगरी है सोशल मीडिया एनालिसिस। अभी सोशल मीडिया एनालिसिस क्यों RBI ने उसके अंदर सॉल्यूशन मांगा, कि अगर कोई फ्रॉड होता है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर तो हम सोशल मीडिया के ऊपर उसको ट्रैक कर सके, उसका सॉल्यूशन ला सके, राइट। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन लाता है कि हम ये डिजिटल पेमेंट के अंदर जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैक कर पाए, राइट, तो उसके लिए RBI ने सॉल्यूशन मांगा था, राइट। तो ये चार कैटेगरी थी, उसमें से दो कैटेगरी ये जो इनोवेटिव इजी टू यूज़ नॉन मोबाइल रिटेल पेमेंट वाली कैटेगरी और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट वाली जो कैटेगरी है वो किसने जीता, टॉन टैग नाम की स्टार्टअप ने, राइट। फिर थर्ड कैटेगरी जो अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन जो वाली अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वाली जो कैटेगरी है वो किसने जीता, नेपिड साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने। और जो फोर्थ कैटेगरी है सोशल मीडिया एनालिसिस की वो ट्रस्ट चेकर नाम की एक स्टार्टअप ने जीता है, राइट। तो यहाँ पे चार में से दो कैटेगरी टॉन टेक ने जीती है, इसके लिए वो ओवरऑल कंपटीशन की विनर कौन बन गई, टॉन टेक, राइट। ओके, तो रिसेंट न्यूज़ के अंदर जस्ट इतना ही है कि अभी जो RBI के द्वारा जो ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया गया था उसका रिजल्ट आया और उसको किसने जीता है, टॉन टेक, दो कैटेगरी के अंदर, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन और सोशल मीडिया एनालिसिस वाली किसने जीती वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, रनर अप कौन बने, तो एक्सटो लैब्स US की है, नियो आइड US की है, स्प्योरटेल टेक्नोलॉजीज इंडिया की है, इजी टैप मोबाइल सॉल्यूशन वो इंडिया की है, और ललित कुमार पांगरिया जो इंडिया की कंपनी है, राइट। तो ये रनर अप बने हैं और ये विनर बनी है ये तीन कंपनीज। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आ गया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एक श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की गई है फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और उनके मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राइट। फ्रेंड्स, इस श्रेष्ठ स्कीम क्या है, पहले सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म क्या है, कि स्कीम फॉर द रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन द हाई स्कूल्स इन द टारगेटेड एरियाज, राइट। श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म, स्कीम फॉर द रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन द हाई स्कूल इन द टारगेटेड एरियाज। ये श्रेष्ठ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ये स्कीम के अंडर में क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करें। तो ये श्रेष्ठ स्कीम के अंडर में अगर कोई SC स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करता है ऐसा कोई स्टूडेंट, और अगर उसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो ये SC स्टूडेंट अपनी मेरिट के बेस के ऊपर, अभी मेरिट कैसे निकलता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ, कि अपने मेरिट के बेस के ऊपर अगर वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ना चाहता है, और वो प्राइवेट स्कूल कौन सी होगी, कि जो प्राइवेट स्कूल 5 साल से पुरानी हो, 5 ईयर से पुरानी हो, और जिसका 10th और 12th का रिजल्ट मोर देन 75% आया हो, राइट, उस उन्हीं स्कूल को इस स्कीम के अंडर में एनरोल किया जाएगा, और ऐसे ही स्कूल में SC स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, राइट। कैसे SC स्टूडेंट्स, कैसे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स, कि जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम हो, राइट, ऐसे मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो उन लोगों को अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ना है, राइट, प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब वहाँ पे रहने की भी सुविधा हो, राइट, अगर वहाँ पे उनको पढ़ना है, स्कूल कैसी होनी चाहिए, 5 साल से पुरानी और 75% से ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए, तभी वो स्कूल इस स्कीम के अंदर में एनरोल कर सकती है। तो ऐसे स्कूल के अंदर अगर ऐसे स्टूडेंट को पढ़ना है तो यहाँ पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर में। और कहाँ से कहाँ तक वो पढ़ सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये पूरी स्कीम है, समझ में आया। ओके ओके, इस स्कीम के अंडर में मैं स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 9th क्लास के लिए
पर स्टूडेंट पर ईयर 1 लाख रुपया दिया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट। 10th क्लास के लिए पर स्टूडेंट पर ईयर 1,10,000 रुपीज़, 11th क्लास के लिए पर स्टूडेंट पर ईयर 1,25,000 रुपीज़ और 12th क्लास के लिए पर स्टूडेंट पर ईयर 1,35,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा SC स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, राइट? ओके। और अगर ब्रिज कोर्स क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट राजस्थान से आया है पढ़ने के लिए, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, राइट? तो इन दोनों के बीच में मतलब जो लैंग्वेज बैरियर होगा ना, तो वो लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए वो स्टूडेंट 3 महीने का ब्रिज कोर्स भी कर सकता है। और ये ब्रिज कोर्स के लिए 10% एडिशनल कॉस्ट, जो 10% किसका, जो ट्यूशन फी है उसका 10% एडिशनल कॉस्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा ये ब्रिज कोर्स के लिए, राइट? तो वो 3 महीने का कोर्स होगा, तो उसके लिए भी पैसा गवर्नमेंट देगी, सिंपल। ओके, बराबर। ओके, अभी क्या ये सभी SC स्टूडेंट्स को ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा? नहीं, सभी SC स्टूडेंट्स को नहीं। यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज़ किया गया है, मेरिटोरियस SC स्टूडेंट्स, मतलब जो स्कॉलर SC स्टूडेंट्स हैं उनको ही यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कौन स्कॉलर है कौन नहीं? तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा कि जिस जिनको जिनको प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ना है 9th to 12th, राइट? तो उनको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, राइट? और उन एंट्रेंस टेस्ट का नाम क्या है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द श्रेष्ठ स्कीम। और वो टेस्ट कौन कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा, राइट? और उसमें से टोटल 3,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उन भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, राइट? और यहाँ पे जो पूरा सिलेबस होगा वो CBSE के द्वारा डिजाइन किया होगा। ओके, CBSE के जो अंडर में जो स्कूल्स हैं वहीं पर उन लोगों को भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, राइट? ओके, तो इसके लिए ऐसा वर्ड यूज़ किया गया मेरिटेरियस स्टूडेंट्स, बराबर ना? जैसे स्टूडेंट्स को मेरिटेरियस SC स्टूडेंट्स को अगर पढ़ना है हाई ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है, श्रेष्ठ स्कीम। तो आई थिंक आपको इस स्कीम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट, उनके बारे में पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि सिलेक्शन ऑफ द स्कूल्स कैसे सिलेक्ट की जाएगी इस स्कीम के अंडर में, कि जिसका 5 साल से ज़्यादा वो पुरानी होनी चाहिए, 10th और 12th का रिजल्ट 75% से ज़्यादा लास्ट 3 साल का वो होना चाहिए, राइट? तो ऐसे स्कूल को इस स्कीम के अंदर में यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ओके, आप ऐसे स्टूडेंट्स उसी स्कूल के अंदर पढ़ पाएंगे, राइट? ओके, तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।